दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज योर फ्रेंड निखिलेश जी बंधु। तो आज हम लोग कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, जो कि है फिश टैंक को एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करना। तो कभी भी ये काम हड़बड़ी भी ना करें। अभी आप देखें पीछे में हम लोगों ने पानी कम कर दिया, अभी हम लोग फिश को भी कैच करेंगे, उसको एक बकेट में रखेंगे, फिर बाकी एक्सेसरीज भी निकालेंगे। और हमने कार्डबोर्ड ले लिया है, कार्डबोर्ड से अभी हम इसको पैक करेंगे और फिर एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में आगे, कि हम दिखाते हैं कि हम लोग कैसे ये प्रोसेस को करते हैं। पानी जो है निकाल लिया है और अभी हम लोग पकड़ रहे हैं फिश को, क्योंकि एक बहुत ही टीडियस टास्क है ये मशीन। जान रखी भाई, बड़े ही वाला इसको बचा पाएगा। तो ये पहला मछली जो है हमने पकड़ लिया सक्सेसफुली। अब दिक्कत है इस बड़े वाले को पकड़ने में। रुक जा भाई, इसको पकड़ने में थोड़ा सा हमको भी नर्वसनेस लग रहा है, इतना तेज भाग रहा ना। डेंजर है, काटता बहुत जोर है। काटते का नहीं, उसका कांटा रहता है इधर में, इस जगह में कांटा लगता है। ध्यान से तो भाई पूरा लग रहा है कि एक्वेरियम में तोड़ देगा। हमारे क्या देखें, ये बड़ी मछली है, इसको हम नेट से नहीं पकड़ पा रहे थे, तो इसको हमने अभी पकड़ा है एक कपड़े की सहायता से, और अभी हम इसको भी बकेट में डाल देंगे। तो सक्सेसफुली मिशन सक्सेसफुली पास हो गया। थोड़ा सा और पानी हम लेंगे और मेरे दोस्त का घर थोड़ा गंदा भी होगा और हो सकता है उसको बाद में सफाई करने पड़ जाए, लेकिन हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो है साइफन पाइप है, इसकी मदद से जो है पानी जो बहुत तेजी से निकलता है, तो हम पानी थोड़ा सा और भर देंगे इसमें। मेरा दोस्त देखिए पीछे से एक्सपर्ट कमेंट दे रहा है। हो गया टास्क वन कंप्लीट। अब तुम बाबा एक और बाल्टी लाओ, पानी फेंकना है। तो हमने फाइनली जो है मछली भी पकड़ ली है, पानी भी ऑलमोस्ट ड्रेन कर दिया है, और अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे चरण की ओर, जिसमें कि है हम पेबल्स को लेंगे। पेबल्स काफी पुराने हो गए हैं, लेकिन हम लोग सेटअप इसी से करेंगे बिकॉज इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। और यहाँ देखिए आप, इसका बाकी सारा सामान है, हम लोग इसी को यूज करेंगे। हमारे दोस्त हैं, इसको पैक कर रहे हैं, और ये पैक करते हुए आप देखिए काफी मेहनत से पैक कर रहे हैं, इनको पैकिंग का काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी अभी इन्होंने घर शिफ्ट किया है, तो बहुत अच्छे से इसे पैक कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने इसको देखिए अब रैप करना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरे साथी हैं जो कि इसको रैप कर रहे हैं, और यहाँ हमने पानी लगा दिया है, इसमें हमने डाल दिया। अब हमको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज मछली को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने पत्थर भी पैक कर लिया, पत्थर आप देखें यहाँ। मेरे दोस्त का घर काफी गंदा हुआ है, अभी चलेंगे दूसरे दोस्त के यहाँ और देखते हैं। देखिए ये कभी भी आप एक्वेरियम रखें उसके नीचे एक ऐसा चीज रखें जो कि सामान्य हो। ये एक्वेरियम करीबन करीबन 10 से 12 साल पुराना हो चुका है। फाइनली 1.5 आवर्स के बाद में हमने इसे कम्प्लीट कर दिया। आप देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कभी भी कांच का कोई भी बर्तमान यूज करें उसके नीचे एक कोई सरफेस होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सरफेस भी है, इसको हमने पैक भी कर लिया था। अभी हम लोग ऑटो के इंतजार में, ऑटो जैसे आएगा हम लोग इसको लेके बढ़ेंगे और फिर इसको वापस से अनरैप करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में आगे। तो फाइनली हम लोग इसे दूसरे घर में लेके आ गए हैं। आप देखें यहाँ पे हम लोगों ने सेट कर दिया इसके नीचे, क्योंकि काफ़ी पुराना था, तो हम लोगों ने एक प्लास्टिक की शीट डाली है, वहाँ काफ़ी सामान है और मछली भी जो है नीचे में ही। अभी फाइनल रैपिंग हो गई है और अभी हमें इस पर रखना है, और आगे हम दिखाते हैं अपने वीडियो में बाकी का सेटअप। तो दोस्तों अभी आप देखें फाइनली वापस से हमने सजा दिया है, और ये है जो हमने अनपैकिंग की थी, हमने मग की सहायता से वापस से सजाया है। धीरे धीरे करके हम इसे और ब्यूटीफाई करेंगे। दोस्तों अभी हम लोग इसमें प्लास्टिक डाल के पानी भर रहे हैं ताकि ये सी दोस्तों
तो अभी हम लोग ये जो है मछली को फाइनली डाल रहे हैं। हमारे पास पानी कम था तो कम हम इसमें और पानी डालेंगे। साइज कितनी अच्छी है। ये मेरे दोस्त के घर में काफी सालों से थी ये मछली और इसके साथ में कुछ महीनों से छोटी मछली थी। तो अभी हम लोग इसको पकड़ के डालने की कोशिश करेंगे। बाल्टी नहीं जा रहा, ऊपर से छोड़ना पड़ता है। जो है मिशन सक्सेसफुल कर लिया है और हमने डाल दिया। इसमें धीरे धीरे कल से प्यूरिफिकेशन का काम होगा और इसमें हम लोग और पानी भरेंगे कल। तो आज अभी हम लोग इसको खाना नहीं देंगे स्ट्रेस से मुक्त करने के लिए, और कल जो है कल हम लोग इसको दाना भी देंगे, लाइट भी लगाएंगे और पानी का लेवल जो है यहाँ तक कर देंगे। ठीक है तो दोस्तों फाइनली मिशन सक्सेसफुल हो गया है। अभी कल से इसका ब्यूटिफिकेशन होगा, ब्यूटिफिकेशन के सामान यहाँ रखी हुई है और अभी आपने देखे कितना मेस मचाया है। देखिए जब भी आप एक्वेरियम क्लीनिंग करते हैं तो ऐसा मेस होता ही होता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे तो हम आगे का भी वीडियो आपको दिखाएंगे।